हाय डियर स्टूडेंट, आज जो हम इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल कंसीडर करने वाले, सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज ने हमें पाइप क्लोज एट वन एंड हमने देखा है और उसके बाद पाइप ओपन एट बोथ एंड उसकी हम स्टडी करते हैं। तो आज जो है हम उसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और उसका ही वो की पॉइंट जो होगा उनका डिफरेंस होगा। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है डिफरेंस, और यहाँ पे जो हम डिफरेंस में जो कॉमन जो पॉइंट है वो आपको पता है, उसका फ्रीक्वेंसी रेशियो, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ये सब आपको कॉमन पॉइंट पता है। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंस उसका आपको की पॉइंट्स देंगे। तो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, इसको हम पाइप क्लोज एट वन एंड कहते हैं और इसको हम पाइप ओपन एट बोथ एंड कहते हैं। ओके, तो यहां पे हम क्लोज ऑर्गन पाइप लेते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप, और इधर जो है वो लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो है, पहले हम इसकी डायग्राम निकाल लेते हैं फर्स्ट नोट का, क्लोज ऑर्गन पाइप का ऐसी सिंपल ऐसी डायग्राम निकालते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप की सिंपल ऐसी डायग्राम निकालते हैं। तो ये होगा उसका क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा। ओके, और ये जो लेंथ जो रहेगी कैपिटल एल इक्वल टू लैम्डा बाय फोर, कैपिटल एल इक्वल टू लैम्डा बाय फोर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दैट इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ योर कॉलम, योर कॉलम ऑफ लेंथ यल, ऑफ लेंथ यल एच, हर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यल इक्वल टू वी अपॉन फोर यल, यल इक्वल टू वी अपॉन फोर एल। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट, अब यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो जो रहेगा, फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो, ये हमें, ये तो कॉमन पॉइंट है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है डिफरेंट ऐसे बोलेंगे आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो, फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो यन टेंस टू यन वन टेंस टू यन टू टेंस टू दैट इज इक्वल टू वन टेंस टू थ्री टेंस टू फाइव, वन टेंस टू थ्री टेंस टू फाइव। और थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरटोन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरटोन। अब फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, अब हमें पता है जो फर्स्ट ओवरटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है थ्री टाइम्स ऑफ यन, और उसके बाद सेकंड जो ओवरटोन जो रहता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है फाइव टाइम्स ऑफ यन, सो फाइव यन माइनस थ्री यन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस यन, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरटोन इज टू टाइम्स ऑफ यन, मीन्स इट इज द टू टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज द टू टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीत हार्मोनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीत हार्मोनी, एनपी से डिनोट करते हैं पीत हार्मोनी,
ओवरटोन नहीं पीथ हार्मोनिक एनपी दैट इज इक्वल टू पी इंटू एन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ हार्मोनिक दैट इज इक्वल टू एनपी इक्वल टू पी इंटू एन वेयर पी इक्वल टू 1, 3, 5, 7 etc. 1, 3, 5, 7 etc. पीथ हार्मोनिक ओके उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा फेज चेंज ऑफ वेव फेज चेंज ऑफ वेव इज पायरेडियन फेज चेंज ऑफ वेव इज पायरेडियन यानी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेज जो रहेगा वो कितना रहेगा पाई रेडियन रहेगा उसके बाद सिक्स पॉइंट जो होगा वो क्या होगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ओपन पाइप से उसको हम एनसी से डिनोट करते हैं एनसी दैट इज इक्वल टू एनओ बाय टू एनसी दैट इज इक्वल टू एनओ बाय टू मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड और एलसी भी क्या होगा एलसी का भी लिख सकते हो आप एलसी दैट इज इक्वल टू एनओ बाय टू लेंथ का भी रिलेशन और फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन ये होगा हमारा सिक्स पॉइंट अब पहले हम सिक्स पॉइंट इसके लेते हैं बाद में इसके एक्स्ट्रा आपको बोलते हैं उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ऑफ लेंगियर पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं पाइप ओपन एट बोथ एंड्स की ओके पाइप ओपन एट बोथ एंड्स की डायग्राम बनाई यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे नोड होगा तो जो डिस्टेंस जो रहेगा कैपिटल एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट होगा सेम रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन योर कॉलम ऑफ लेंथ एल इज ऑफ लेंथ एल इज क्या होगा n इक्वल टू v अपॉन टॉइस यार n इक्वल टू v अपॉन टॉइस ये होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो सेकंड पॉइंट क्या होगा फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो n टेंस टू n1 टेंस टू n2 टेंस टू दैट इज इक्वल टू 1 टेंस टू 2 टेंस टू 3 1 टेंस टू 2 टेंस टू 3 थर्ड पॉइंट क्या होगा थर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरटोन इज अब कितना होगा टॉइसियन थ्राइसियन तो उसके बाद थ्राइसियन माइनस टॉइसियन अगर किया हमने तो हमें मिलेगा यन मिलेगा ओके तो ये होगा फर्स्ट ओवरटोन ये होगा सेकंड ओवरटोन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरटोन दैट इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्या आता है टू टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरटोन इज एन दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट उसके बाद फोर्थ पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ हार्मोनिक्स दैट इज एनपी इक्वल टू पी इंटू एन एनपी इक्वल टू पी इंटू एन अब पी की वैल्यू का से ट्रांसफर पी इक्वल टू 1, 2, 3 etc. उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा फेज चेंज ऑफ वेव इज जीरो रेडियन यहां पे अगर कॉम्प्रेशन अगर पूछता है तो वो जो कॉम्प्रेशन होगा फ्रॉम द रेयर मीडियम इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेयर फ्रैक्शन
इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेयर फ्रैक्शन। और यहाँ पे अगर वो सेकंड एंड पे अगर रीच अगर होगा तो अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन, मीन्स इंसिडेंट व्यू कॉम्प्रेशन एंड रिफ्लेक्टेड व्यू ऑल्सो कॉम्प्रेशन, मीन्स फेज चेंज ऑफ व्यू इज जीरो रेडियन। उसके बाद सिक्स जो है, सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट एन सी, और यहां पे अभी हमें लिखना है एन ओ, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन सी, एन ओ दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन सी, सी फॉर क्लोज एंड ओ फॉर ओपन एंड। तो ये हो गए हमारे सिक्स पॉइंट, ये क्या हो गए हमारे सिक्स पॉइंट। ओके अब सिक्स पॉइंट हो गए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट यहां पे बचा है, इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है यहां पे ध्यान में रखना है दोनों, इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है यहां पे, वो क्या है, पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम क्लोज एंड, पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम क्लोज एंड यक्स इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स फ्रॉम क्लोज एंड यक्स इक्वल टू पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम क्लोज एंड एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स फ्रॉम क्लोज एंड। ओके अब पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम क्लोज एंड, मानो इसको अगर हमने जीरो अगर कंसीडर अगर किया तो फर्स्ट जो पोजीशन होगी डिस्प्लेसमेंट, नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नोड्स पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा क्लोज एंड से जीरो रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा जीरो। उसके बाद हमें मिलेगा लैम्बडा बाय टू, उसके बाद मिलेगा लैम्बडा, उसके बाद मिलेगा थ्री लैम्बडा बाय टू। अब यहां पे लैम्बडा बाय टू कैसा मिलता है ये देखो, ये ओके ये हो गए हमारे ये एंटी नोड, ये हो गए नोड और ये हो गए नोड, यानी सेकंड जो नोड जो रहेगा वो क्लोज एंड से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड दैट इज द लैम्बडा बाय टू, यानी ये आ गया लैम्बडा बाय टू। अब इसपे थर्ड क्या होगा लैम्बडा, उसके बाद थ्री लैम्बडा बाय टू। अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड फ्रॉम द क्लोज एंड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड फ्रॉम द क्लोज एंड, क्लोज एंड से एंटी नोड की पोजीशन दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय फोर, फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा लैम्बडा बाय फोर, उसके बाद सेकंड जो रहेगा उस सेकंड क्या रहेगा, सेकंड जो रहेगा दैट इज दी ये होगा लैम्बडा बाय फोर लैम्बडा बाय फोर लैम्बडा बाय फोर, यानी ये जो रहेगा वो कितना होगा दैट इज दी थ्री लैम्बडा बाय फोर, थ्री लैम्बडा बाय फोर एंड फाइव लैम्बडा बाय फोर, थ्री लैम्बडा बाय फोर फाइव लैम्बडा बाय फोर। सेम पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम वन एंड लिखेंगे क्योंकि दोनों भी एंड क्या है उसके ओपन है, एक्स इक्वल टू कितना होगा एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स फ्रॉम वन एंड दैट इज एक्स इक्वल टू कितना होगा। अब यहां पे जो है ऐसे हमारी डायग्राम जो रहती है ओके ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम वन एंड यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्स टू डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड यानी लैम्बडा बाय फोर, यानी पोजीशन ऑफ नोड्स कहां से स्टार्ट होगा लैम्बडा बाय फोर, थ्री लैम्बडा बाय फोर फाइव लैम्बडा बाय फोर। डिस्टेंस पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स इसको अगर हमने जीरो अगर कंसीडर अगर किया तो यहां पे आ जाएगा जीरो, उसके बाद लैम्बडा बाय टू लैम्बडा थ्री लैम्बडा बाय टू, जीरो लैम्बडा बाय टू लैम्बडा थ्री लैम्बडा बाय टू। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा, और भी इसमें पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं लेकिन जो हमने डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे
लेने की कोशिश की है और उसका क्वालिटी ऑफ साउंड ओपन पाइप में ज्यादा रहता है, क्लोज एंड में कम रहता है, वो भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ओवर टोन का भी फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हो, ट्वाइस पी प्लस वन इंटू एन, ओपन में आएगा पी प्लस वन इंटू एन, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने डिफरेंस बिटवीन क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ये डिफरेंस यानी इसके की पॉइंट्स भी है, नोट्स भी हो सकती है ओपन पाइप की और क्लोज पाइप की, तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम सिंपल सिंपल कंसेप्ट आपको समझाते हैं। थैंक यू सो मच।